हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट तिरंगे वाले लड्डू। इस तरह रंग बिरंगे लड्डू आज हम बनाकर आपको बताएंगे। तो देखिए, ये हमने अपनी कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई पर गैस ऑन कर ली है। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है कि ये इसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ दो तीन चीज़ों से ही यह लड्डू बनकर तैयार होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे लगेंगे। तो देखिए, अब हम इसमें डालेंगे और अब इसमें डालते हैं 1 स्पून घी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि हमारा घी मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास दूध। मैंने फुल ग्लास दूध लिया हुआ है, ये मैं 1/2 ग्लास डालूंगी इसमें। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। तो देखिए, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, ये 1/2 kg मिल्क पाउडर है। ये भी मैं धीरे धीरे करके अपनी कढ़ाई में डाल दूंगी और इसे हिला लूंगी ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें मिल्क पाउडर डाला था उसे हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। वीटा का हो तो वीटा का ले लीजिए या एवरीडे का ले सकते हैं आप। तो आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो आपको इसे तब तक हिलाना है जब तक यह मिठाई वाली कंडीशन में हमारा मिल्क पाउडर और दूध नहीं आ जाता, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर मिलाया हुआ है और जो हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है ये ऑलरेडी पहले से ही मीठा है, इसलिए मैं इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालूंगी। आप अपने मिल्क पाउडर को पहले देख लीजिए, अगर वो मीठा हो तो आप उसमें चीनी कम यूज़ कीजिएगा। मिल्क पाउडर 2 प्रकार के आते हैं, मीठा भी और फीका भी। तो देखिए, आप देख सकते हैं यह धीरे धीरे थोड़ा टाइट उसमें आ रहा है, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना कि आपको हिलाने से इसे बिल्कुल बंद नहीं होना है। अगर आप इसे हिलाने से बंद हो गई तो आपकी मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगता बहुत जल्दी है। तो इसी कंडीशन में मैं एक बार इसे उतार लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें 1 स्पून घी डाल दिया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ताकि ये नीचे की तरफ ज़्यादा चिपके नहीं। तो देखिए, आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। मैं इसे इसी तरह हिलाते रहूँगी जब तक यह मिठाई की कंडीशन में तैयार होकर नहीं बन जाता। तो देखिए, आप देख सकते हो ये बिल्कुल डो जैसा बनकर तैयार होने वाला है। पहले की कंडीशन में, अरब की कंडीशन में इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा टाइट हो चुका है। तो देखिए, लेकिन आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर आकर अगर हिलाने से बंद हो जाएंगे तो नीचे की तरफ चिपकने का बहुत वो रहता है इसमें, ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है नीचे की तरफ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी कंडीशन में अब मैं इसे उतार लूँगी और इसमें से 1/2 पेस्ट निकाल लूँगी। तो देखिए, मैं प्लेट पर इसमें 1/2 पेस्ट निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे थोड़ा सा हिला लूँगी ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं, और जो मैंने इसमें ऑरेंज कलर है वो फूड कलर मैं इसमें डाल दूंगी। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे यह बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑरेंज कलर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस डो को हम किसी एक खाली बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दोबारा फिर से वाइट कलर का पेस्ट डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन कलर।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ग्रीन कलर का हमने पेस्ट बना लिया है। वाइट कलर्स के पेस्ट में से मैंने तीन जगह डिवाइड कर लिया था, और एक को ऑरेंज, एक को ग्रीन और एक को वाइट रख छोड़ दिया है। तो देखिए अब हम इस पेस्ट को इसी तरह ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अलग अलग तरह के कलर इसमें मिला लिए थे, आप देख सकते हो। ये वाइट कलर है और ये ग्रीन है और ये ऑरेंज है। तो फ्रेंड्स इन्हीं कलरों से हम बनाएंगे लड्डू। वैसे तो फ्रेंड्स आप इसे गर्म भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम आप करोगे अपने हाथों को थोड़ा सा चिकना करना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चिकना कर लोगे तो ये अपने आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अब इस प्रकार हम इसमें से डो उठाएंगे और इस तरह इसका लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको रंग बिरंगी तिरंगे वाली मिठाई देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं अपने सभी लड्डू इसी तरह बना लूँगी। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हो, छोटे बनाना चाहो तो आप छोटे भी बना सकते हो। ये हमारे खोए मावे के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। आपने आज तक बूंदी के लड्डू खाए होंगे, बेसन के लड्डू खाए होंगे, गूंद के लड्डू खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे मावे के लड्डू, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही जल्दी फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और इन्हें आप एक बार बनाओगे तो बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे, आपको हर रोज़ बनाने पड़ेंगे ये। और कमाल की बात तो यह है कि आप इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हो। यह वन मंथ के लिए कुछ नहीं होता इनको। आप देख सकते हो मैंने ऑरेंज कलर के लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब बनाऊंगी मैं ग्रीन कलर के लड्डू। तो देखिए ये मैंने ग्रीन कलर के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ये लड्डू पसंद आए तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आपके घर में बड़े बच्चे और सबको ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये मावे के लड्डू हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अभी भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।